हेलो दोस्तों, और भाई आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पर फिर से आया हूँ, क्योंकि मैं बहुत दिन इसलिए नहीं था क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी था और मैं तबीयत भी ठीक नहीं थी। मतलब यहाँ पर अभी गोवा का जो सिचुएशन है, मतलब वेदर है ना, वो ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ठंड कभी गर्म ऐसा हो रहा है, इसलिए मैं तबीयत बिगड़ गई थी, तो इसलिए मैं बाहर भी नहीं जा रहा था घूमने के लिए। लेकिन आज मैं आया हूँ दोस्तों ओजरन बीच पर। दोस्तों आप देख सकते हैं, ये जो बीच है ना, वागातोर बीच के साइड पर ही है, हिलटॉप जो क्लब है उसके साइड पर है दोस्तों। तो मैं आपको ये ओजरन बीच दिखाने वाला हूँ। आप देख सकते हैं अभी सनसेट, देखो अभी सनसेट हो चुका है दोस्तों। मैं 2-3 मिनट लेट हो चुका हूँ क्योंकि अभी भी बज चुके हैं 6:45 हो चुके हैं, तो मैं लेट आया हूँ। लेकिन मैं आया था सनसेट के लिए, लेकिन सनसेट हो गया है, तो कोई भी बात नहीं, मैं आपको बीच पूरा घुमाऊंगा, सिचुएशन बताऊंगा, वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज भी क्या क्या चालू है अभी वो भी दिखाऊंगा, और क्राउड सिचुएशन बताता हूँ आपको। और दोस्तों, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये न्यूड बीच है, क्या गोवा में सही में न्यूड बीच है? तो ये भी हम पता करेंगे दोस्तों इसी वीडियो में, तो आगे तक बने रहना दोस्तों, और चैनल पर नए तो जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आपको और भी ज्यादा से ज्यादा मिलने वाले हैं मेरे चैनल पर दोस्तों। तो मिलता हूँ सीधा मैं आपको बीच एरिया पर, बीच घुमाता हूँ आपको। तो दोस्तों, मैं अभी आपको ओजरन बीच पूरा घुमाता हूँ। आप सिचुएशन देख सकते हैं, ये देखो, ये जो है मेरी राइट साइड है, यहाँ पर देख सकते हैं अभी भी क्राउड मौजूद है यहाँ पर, और ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड पर बहुत क्राउड है। और क्राउड का सिचुएशन बताओ दोस्तों, 50-50 है, मतलब इंडियन भी है और फॉरेनर्स भी यहाँ पर है। तो देखेंगे, हम थोड़ा आगे चलते हैं, पहले आपका क्राउड का सिचुएशन बताता हूँ और उसके बाद पार्टी कहाँ पर होती है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ दोस्तों। तो वीडियो में बने रहना और ऐसे ही प्यार देते रहना दोस्तों, क्योंकि जल्दी से जल्दी 1000 फैमिली बनानी है हमको। थोड़ा मेरी गलती है कि मैं वीडियो लेट डालता हूँ दोस्तों, तो इसलिए पहले तो सॉरी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है मेरे को, सुबह काम में रहता हूँ और शाम में जाता हूँ, मतलब शाम में आता हूँ 4-5 बजे, तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन आज टाइम निकल के आया हूँ मैं। तो ये देखो, शेक्स का ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पर, अभी फिलहाल तो फॉरेनर बैठे चुके हैं, देखो फॉरेनर ये, यहाँ पर जूम करके दिखाता हूँ। तो ये ओम कैफे बोल के है, आपको यहाँ पर ब्रेकफास्ट ऐसे आपको बेड से यहाँ पर मिलेंगे ओजरन बीच पर। यहाँ पर बैठने के लिए आपको 100 रुपया देना पड़ता है दोस्तों, कुछ टाइम के लिए दोस्तों, पूरा दिन नहीं मिलता है आपको, पूरा दिन देना है तो और भी ज़्यादा पैसा होगा, वो आप यहाँ पर बैठ कर, मतलब आएंगे तब पूछ कर आप बैठ सकते हैं, लेकिन कोई 1-2 घंटे के लिए 100 रुपया है यहाँ पर। तो ये देखो, और एक यहाँ पर ये कैफे है दोस्तों, आपको ना यहाँ पर बियर वगैरह पीना है तो आप ज़रूर पी सकते हैं, ऐसा कुछ नज़ारा है दोस्तों। और ये जो ऊपर देख रहे हैं ना दोस्तों, ये ऊपर जो है ना, ये मतलब ओजरन बीच लाइन है दोस्तों, ये मैं आपको ऊपर जाकर ही दिखाता हूँ। फिलहाल बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा था इसलिए मैं पहला नीचे आ गया, बाद में ऊपर जाऊँगा। तो हम थोड़ा आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। ये देखो, अभी अंधेरा हो रहा है, स्लो स्लो करके सब लोग यहाँ से अभी ऊपर जा रहे हैं दोस्तों। तो ये देखो, ऐसा कुछ नजारा है, आगे भी चलेंगे दोस्तों, ये थोड़ा वीडियो लंबा भी हो सकता है दोस्तों, ये देखो लंबा भी हो सकता है, संभल कर लेना, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना छोटा वीडियो बना सकता हूँ उतना बनाने का, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाता है क्योंकि आपको भी पूरा दिखाना होता है, तो लंबे हो जाते हैं वीडियो, थोड़ा संभल के रहना मेरे को। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये न्यूड बीच है, तो ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ पर, न्यूड बीच कोई भी नहीं है गोवा में, मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्यों लोग बोलते हैं मालूम नहीं, लेकिन न्यूड बीच तो गोवा में नहीं है दोस्तों,
गोवा का नाम बदनाम हो रहा है इसकी वजह से। तो आप ऐसा कोई बार सर्च वगैरह मत कर मत आओ यहाँ पर, टाइम वेस्ट होगा आपका, कोई भी फ़ायदा नहीं आपका यहाँ पर आने का। हाँ बीच घूमने के लिए आना है तो ज़रूर आ जाओ, लेकिन आप ऐसा मत आ जाओ, मतलब न्यूड बीच है वो देखने के लिए मत आ जाओ यहाँ पर। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये देख सकते कैसा लग रहा है नज़ारा, ये देखो सनसेट तो हो चुका है लेकिन ये जो नज़ारा है ना ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम करके दिखाता हूँ आपको, हम उस तो ऊपर के साइड तो नहीं जाएंगे या फड़े या चलो चलते हैं, दोस्त बोला जाने के लिए तो चलेंगे, क्या है आगे मैं भी दिखता हूँ। दोस्तों मैं एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, मैं गोवा में रहकर मैं भी यहाँ पर पहली बार आ रहा हूँ दोस्तों, तो मेरे को भी पूरा बीच कभी मैंने भी नहीं घुमा है दोस्तों, तो हम आगे चल कर देखेंगे। ये देखो आगे जाने के लिए आपको ऐसे पत्थर का रोड मिलेगा आपको, ऐसा ही सेम रोड आपको स्वीट लेक वाटर पर जाने के लिए मिलता है दोस्तों। थोड़ा ये ट्रैकिंग जैसा है, स्लिप वगैरह होने का चांसेस ज़्यादा है शूज़ की वजह से, स्लो स्लो जाएंगे। और यहाँ पर दोस्तों क्या, ओ माय गॉड, यहाँ पर दोस्तों तो क्राउड बहुत है, सोचा नहीं था मैंने दोस्तों कि इस लाइन पर क्राउड रहेगा, लेकिन दोस्तों आप ये देख सकते हैं यार, अब देखो सब बेड भर चुके हैं, यहाँ पर क्राउड ही क्राउड है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको शेक्स देखो कितना ऑप्शन मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था दोस्तों। आगे चलते देखते, ये मैंने भी नहीं सोचा था दोस्तों ये क्या हो गया, बहुत ज़्यादा क्राउड है ये देख सकते हैं, फॉरेनर भी है यहाँ पर और इंडियन भी है, तो ये 50-50 क्राउड वाला है दोस्तों। ये आगे देख सकते हैं दोस्तों, मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा क्योंकि ये मेरे को कॉपीराइट क्लेम दे सकता है, तो मैं आगे जल्दी जल्दी जाता हूँ दोस्तों। हमको अभी मेरे राइट साइड पर तो जाना है दोस्तों, लेकिन अभी बहुत अंधेरा हो चुका है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी से लेकर जा रहा हूँ। और आपको फिश थाली वगैरह खाना है दोस्तों, तो ये देखो यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है, फिश थाली बार एंड रेस्टोरेंट, ओजरन बीच पर हो तो आप यहाँ पर ज़रूर आकर फिश थाली का मज़ा ले सकते हैं, गोवन फिश थाली ज़रूर मज़ा लो उसका। गोवा में आ रहे हैं दोस्तों तो आपको फिश खाना मंगता है दोस्तों, गोवा का फिश इतना फेमस है, जो भी टूरिस्ट आते हैं वो गोवा का फिश खाने बिना नहीं जाते घर में। और आपको फोटोशूट के लिए भी ये जगह अच्छी है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे लोग फोटोशूट वगैरह करते हैं। ये देखो बाहुबली में जैसा था वैसा कुछ लग रहा है, ये देखो। तो दोस्तों यहाँ तक ये ओजरन बीच है, आगे तक इतना आगे नहीं जाऊँगा मैं दोस्तों, बहुत लंबा रोड है, जाने के लिए अभी टाइम लगेगा, आने के लिए भी टाइम लगेगा, तो पीछे जाते जाते वो बहुत मतलब रात ही हो जाएगी पूरे, तो इतना लंबा नहीं जाएंगे हम। तो ऐसा कुछ अभी नज़ारा है यहाँ का क्राउड का वगैरह, तो और ऐसा कुछ बीच है यहाँ का, ये देख सकते हैं पूरा 360 में दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो तो दोस्तों ये देख सकते हैं इस बीच पर ना ये डिस्को वॉलीबॉल का एक क्लब है, मैं आपको आगे जाकर दिखाता हूँ क्लब कैसा है, एंट्रेंस वगैरह क्या है दिखाता हूँ थोड़ा आपको मैं आगे जाकर। तो ये देखो ये यहाँ पर ये क्लब है दोस्तों पूरा, ये आप देख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है ना दोस्तों, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो ये जो लिखा है ना यही पूरा क्लब है, मतलब यहाँ तक ऐसा है, यहाँ तक ऐसा है। तो इसमें ना हर रोज़ पार्टी रहती है, इसको डिस्को वैली बोलते हैं,
और इस क्लब में हर रोज पार्टी रहती है, 11 बजे तक एंट्री फ्री रहती है दोस्तों, और 11 बजने के बाद दोस्तों एंट्री रहती है 5000 दोस्तों पर पर्सन दोस्तों। तो आपको पार्टी, आप यहाँ पर टेक्नो पार्टी रहती है, तो आप टेक्नो पार्टी के शौकीन है दोस्तों, तो आप ज़रूर इस क्लब में आ जाओ और पार्टी का मज़ा उठाओ दोस्तों। गोवा में पार्टी रहती है तो पार्टी का मज़ा तो उठाना चाहिए आपको। तो 11 बजने से पहले आ जाओ, आपको फ्री एंट्री मिलेगी, नहीं तो 11 बजने के बाद आओगे दोस्तों तो आपको मिलेगी यहाँ पर 5000 एंट्री। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। आपको कोई इंक्वायरी करना है दोस्तों, मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पर ज़रूर कॉल करो, शायद नंबर, हाँ जी हाँ, ये देखो यहाँ पर ये नंबर है, कहाँ पर गए नंबर, हाँ ये देखो नीचे ये नंबर है, इसमें कॉल करो और आप पूछ लो। ये बोर्ड भी दिखाता हूँ आपको पूरा मैं, ये देखो ऐसा कुछ है, पॉज करके देख लेना वीडियो। तो दोस्तों ऐसा कुछ ये क्लब का नज़ारा है और क्राउड सिचुएशन है दोस्तों। और एक चीज़ मैं इस वीडियो में आपको बोलना चाहता हूँ दोस्तों, आप दोस्तों क्या कर रहे हैं, मैं बहुत दिन से ये बोल मतलब सोच रहा हूँ बोलने के लिए आपको, लेकिन टाइम नहीं था, आज वीडियो बना रहा हूँ तो अभी बोल रहा हूँ। आप दोस्तों सब लोग क्या कर रहे हैं, पूरा वीडियो नहीं देख रहे, जो भी मैं बातें बोल रहा हूँ दोस्तों उसको अच्छे से नहीं सुन रहे, इसके लिए आप ना आपको ना मतलब तकलीफ आ रहे हैं। वीडियो मेरे पूरे देखने के बाद जो कमेंट कर रहे हैं दोस्तों मिड में कि वीडियो बना रहा हूँ ये सही नहीं है वो नहीं है, आप बोलो, वो आपका काम है दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप अच्छे बोलेंगे, नहीं लगा तो नहीं बोलेंगे दोस्तों। लेकिन जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ना दोस्तों वो पूरा सुन लो। मैं होटल के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो होटल का वीडियो मैं बना रहा था दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने बनाया था बजट फ्रेंडली होटल, उस होटल में दोस्तों जो प्राइस मैं थंबनेल में डाल रहा हूँ दोस्तों, वो थंबनेल का प्राइस है 1 पर्सन का दोस्तों। ये मैंने हर वीडियो में बोला है आपको दोस्तों कि वीडियो पूरा देखो, और मैं जो प्राइस बोल रहा हूँ 1 पर्सन का बोल रहा हूँ दोस्तों, ये थोड़ा ध्यान में रहो दोस्तों। क्योंकि क्या है दोस्तों, मैं पूरा फैमिली का नहीं बता रहा हूँ आपको। आप देखो, आप कोई दोस्त लोग आ रहे हैं, 6 लोग आ रहे हैं, तो 1 पर्सन का आपको 500 बना, तो 6 लोगों का 3000 हो गया ना दोस्तों। आप अकेला थोड़ा ही निकालने वाले हैं सबका पैसा, हर एक के साथ में लेने वाला हूँ ना आप पैसा हर एक पास से, तो इसलिए मैं 1 पर्सन का बोल रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आपको 1 पर्सन का नहीं चाहिए, मतलब मैंने आपको ऐसा बताया तो ऐसा नहीं आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो जरूर कमेंट करके बता देना, इसी वीडियो के नीचे बता देना कि मेरा हमको पूरा पैकेज का भी बता दो, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। मैं आपको इसलिए वो बता रहा था कि 1 पर्सन वो आपके लिए सही होगा दोस्तों, मतलब आप जो ग्रुप में आ रहे हैं उनके लिए सही होगा दोस्तों, इसलिए मैं 1 पर्सन का बोल रहा था। मतलब एक आदमी उसके साथ कितना पैसा लेकर आ सकता है वो उसके लिए कंफर्टेबल था दोस्तों, मैं ऐसा वीडियो बनाता। लेकिन आपको ऐसा नहीं चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बता देना, मैं नहीं बनाऊंगा, मैं पूरा पैकेज का आपको बताऊंगा कि 4 आदमी का कितना आपको यहाँ पर पड़ेगा, कितना नाइट का कितना होगा, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो ज़रूर कमेंट करके बता देना मेरे को क्या करना है। तो यही बात थी, तो मैं अभी आपको दूसरे साइड पर लेकर चलता हूँ, लेकिन फिलहाल बहुत अंधेरा भी हो चुका है, मैं देखता हूँ उस साइड पर क्या दिखता है नहीं दिखता है। तो ऐसा कुछ नज़ारा है अभी ओजरन बीच का दोस्तों, ये देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं फाइनली मेरे दूसरे साइड पर आ चुका हूँ आपको दिखाने के लिए, लेकिन अभी आप देख सकते हैं पूरा लाइट जल रहा है दोस्तों, तो फुटेज थोड़ा अच्छा नहीं आ सकता है दोस्तों, लेकिन संभाल कर लो, आपको दिखाना है, इसलिए मैं चालू किया ये वीडियो इस लाइन से। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी पानी देखो कितना लहरें अच्छा आ रहे, देखो वाव। और ये देख सकते हैं आप इस लाइन पर पूरा ये क्राउड है, यहाँ पर फॉरेनर लोग यहाँ पर बैठे हैं, और ये देखो इस लाइन पर अभी पूरा मतलब अंधेरा हो चुका है। मैं वीडियो का फुटेज भी इतना अच्छा नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा आगे चलकर दिखाता हूँ, तो आप जितना देख सकते हैं उतना देखो, मैं आपको सिर्फ सिचुएशन बताने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों अभी। तो ये देखो ये सब बेड है यहाँ पर, मतलब हर एक जगह पर यहाँ पर बेड है लगाए हुए हैं, और ये देखो कितना आगे तक है, और वहाँ पर ये है
रोमियो लेन फेमस लेन है यहाँ पर। ये मतलब इस लेन पर ना दोस्तों मतलब पार्टियां वगैरह रहती है, टेक्नो पार्टियां, ट्रांस पार्टी, मतलब बहुत सारे पार्टियां चालू ही रहती है यहाँ पर। तो आप ओजरन बीच पर आ रहे हैं दोस्तों, तो रात के वक्त पार्टी को जाना चाहते हैं तो इस लाइन पर भी जा सकते हैं, रोमियो लेन बोलते हैं दोस्तों। वहाँ पर ऊपर रईत क्लब है, रईत क्लब के सामने से रोड है यहाँ पर आने के लिए, यहाँ से भी ऊपर आप जा सकते हैं दोस्तों। तो आप पार्टी के लिए शौकीन जाना चाहते हैं, ट्रांस पार्टी, टेक्नो पार्टी, तो आप जरूर रोमियो लेन पर जाओ। तो ये देखो अभी का कुछ ऐसा नज़ारा है दोस्तों यहाँ का। तो ये देखो यहाँ पर बीच खत्म हुआ और ये अभी ये निकल रहे छाता वगैरह दोस्तों। तो ये देखो ऐसा कुछ है सिचुएशन अभी शाम के वक्त का। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये देखो ये ओजरंग बीच है और मेरे लेफ्ट हैंड पर ये बनाना फॉरेस्ट बोल के क्लब है दोस्तों। यहाँ पर ट्रांस पार्टी चालू रहती है, उसके बाद हम जाते हैं। मैं आपको पूरा ओजरंग बीच लाइन घुमाता हूँ और यहाँ पर क्लब कौन सा है वो बताता हूँ। ये देखो ये सबसे फेमस क्लब रईत है। ये देखो यहाँ पर भी हर रोज पार्टी रहती है, अभी भी चालू है अंदर। ये देखो एंट्री है, यहाँ पर टेक्नो पार्टी रहती है। यहाँ पर आपको गाड़ी पार्किंग वगैरह करना है दोस्तों, तो यहाँ पर आप ऐसा ये देखो अंदर पार्किंग है, आप यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ऐसा ये सब मतलब शेक्स मिलता है ऑप्शन खाने के लिए वगैरह। ये देखो यहाँ पर बहुत सारे शेक्स हैं। यहाँ पर ये रेस्टोरेंट है दोस्तों, हम थोड़ा आगे चलेंगे। बहुत सारे क्लब है दोस्तों यहाँ पर जिनका मेरे को नाम अच्छे से मालूम नहीं, लेकिन आपको मैं दिखाता हूँ दोस्तों। ये देखो कासा प्लाया बोल के एक क्लब है यहाँ पर मेरे राइट हैंड पर, ओमेरा बोल के एक क्लब है यहाँ पर। यहाँ पर मतलब आर्टिस्ट आर्टिस्ट लोग आते रहते हैं दोस्तों, मतलब दोनों साइड पर। ये देखो इस लाइन पर तो पूरे क्लब ही क्लब है मेरे राइट हैंड पर। तो आपको ओजरंग बीच पर आएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर बहुत सारे क्लब ऑप्शन दोस्तों मिलेगा। उसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आपको रहने के लिए विला वगैरह ऑप्शन अवेलेबल है। ये देखो ये टाइटल बोल के एक ये बार रेस्टोरेंट है, वहीं पर विला भी है दोस्तों। और पार्किंग एरिया आपको ये देखो फोर व्हीलर पार्किंग वगैरह यहीं पर किया हुआ है दोस्तों। ये देखो ये यहाँ पर क्लब है दोस्तों कैसिक रॉक बोल के दोस्तों। तो ये कुछ ऐसे ओजरंग बीच लाइन है दोस्तों। यहाँ पर आपको शॉपिंग का ऑप्शन थोड़ा कम है लेकिन पार्टी का ऑप्शन बहुत मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर भी नाइन बाल बोर के गए मतलब वो अंदर जाकर दिखाता हूँ। तो यही तक ये दोस्तों ओजरंग बीच लाइन है, तो हम चलेंगे अभी नाइन बार के पास। नाइन बार दिखा कर लाता हूँ आपको। तो शॉपिंग का ऑप्शन ये देखो ये थोड़ा बाहर आपके लिए है, देखो यहाँ पर दोनों साइड पर, और ये है सामने नाइन बार दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा कुछ नजारा है अभी का यहाँ का। बंद कर बंद कर। तो दोस्तों फाइनली मैं ओजरन बीच से घर में पहुंच चुका हूँ। अभी बज चुका है दोस्तों 8। तो दोस्तों अंधेरा हुआ था, मैंने आपको दिखाया हुआ है बीच पर, तो इसलिए मैं वहाँ पर ब्लॉग खत्म नहीं कर पाया। तो इसलिए घर में आकर मैं अभी ये ब्लॉग खत्म कर रहा हूँ दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर मेरे को कमेंट करके बता देना। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वीडियो प्लीज़ पूरा देखा करो और कमेंट करो दोस्तों प्लीज़। मैं जो भी बोल रहा हूँ वो अच्छे से सुनो, उसके बाद ही कमेंट करो, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में आपको बोल रहा हूँ, अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, जो भी मैंने होटल के वीडियो बनाए हुए हैं दोस्तों उसमें मैंने सीधा सीधा बोला है कि मैं जो भी रेट बोल रहा हूँ वो 1% का बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं पूरा फैमिली का नहीं बोल रहा हूँ। तो दोस्तों मेरे को ऐसे कमेंट मत करो कि हमको 2,000 में मिल रहा है, 4,000 में मिल रहा है दोस्तों, मैंने 1% का बोला है। तो इसी बात को ध्यान में रखो दोस्तों, इसलिए मैं हर एक ब्लॉग में बोलता हूँ कि वीडियो पूरा देखो उसके बाद कमेंट करो दोस्तों।
प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों। तो इतना ही बोलना चाहता हूँ दोस्तों, और इस ब्लॉग में दोस्तों इतना ही। वीडियो कैसा लगा और आपको और क्या क्या देखना है मेरे चैनल पर वो भी ज़रूर कमेंट करके बता देना, मैं वो भी कोशिश करूँगा अलग अलग प्लेस दिखाने का। तो इतना ही इस ब्लॉग में, तो मिलता हूँ मैं आपको सीधा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और सपोर्ट करो जितना हो सकता है, जल्दी से जल्दी 1000 का फैमिली भी हमको बनाना है दोस्तों। तो चलो दोस्तों, बाय, धन्यवाद।